मतलब देखो पोड़ी पोड़ी भी डाल दिया है और उसके ऊपर मसाला भी आ गया, और ये हो गया 99 रुपीज़ विद देसी घी। अभी इन्होंने फ्राई किए जस्ट मंचूरियन बॉल्स और वो इसके अंदर आ गया। ये देखो भाई कड़ा हुआ दूध एकदम बढ़िया से काट के बनाया हुआ है, ड्राई फ्रूट्स डाले हुए ऊपर। अगर देसी घी में डोसा खाना है तो 99 रुपीज़ का, अदरवाइज़ जो नॉर्मल रेट है 59 या 69। सर्दियों का टाइम है और लोग गुड़गांव के लोग जितने भी स्टूडेंट रहे हैं रहते हैं या घर वाले हैं। ओह भाई साहब सैफ्रॉन शुगर सिरप बहुत बढ़िया भाई, मज़ेदार। अब ये एक काफ़ी बढ़िया मसाला होता है, गई जलेबी ये दूध के अंदर। तो भैया सर्दियाँ आ चुकी है और हुडा मार्केट सेक्टर 56 में आ चुकी है और माहौल ना चेंज हो चुका है, जैसे पहले माहौल था वैसा नहीं रहा, बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो वेज वीडियो बनेगी आज आपके लिए स्पेशल, क्योंकि ट्यूसडे स्पेशल है ये, और हम जा रहे हैं एक ऐसे चाइनीज़ काट पे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए मेरे साथ। तो ये आ गए भाई हम शॉप पे, प्रिया चाइनीज़ क्विजीन, और अब चलते हैं और आपके लिए बनवाते हैं दो ऐसे आइटम जो यहाँ पर आके लोग ज़रूर ऑर्डर करते हैं। तो भाई ये देखो गुड़गांव के सेक्टर 56 हुडा मार्केट में है, और स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए हमारे एक आइटम बना रहे हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर सारा वेज आइटम दिखेगा, और हम बनवा रहे हैं वेज चाउमीन। ये कैबेज आ गई, सारी मिक्स वेजिटेबल आ गई इसके अंदर। नॉनवेज हम पहले बहुत बार दिखा चुके हैं। हाँ नॉनवेज बहुत बार दिखा चुके हैं, वेज खा के देखो आप। इसके बाद मैंने एक आइटम और लगवाना है, वो है ड्राई मंचूरियन। ये आ गई भाई साहब हमारी नूडल्स, और एकदम पतली वाली नूडल है ये, जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है ना वो वाली। ये आ गए मसाले एंड ऑल, ये सब देख लो यहीं पर पड़ा हुआ है आपके सामने, मसाले वसाले ग्रीन चिली सिरका एवरीथिंग, सब चीज़ें मेरे को यहीं मिल जाएगी। ये क्या प्राइस किया भैया इसका जो बन रहा है? 80 रुपीज़। 80 रुपये बताओ, 80 रुपीज़, लेस देन 100 रुपीज़ का ऑप्शन है ये। अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो ना, यहाँ पे आपको वैरायटी बहुत मिलेगी खाने की, हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे, पराठे से लेके दूध जलेबी एवरीथिंग। सर्दियों का टाइम है और लोग गुड़गांव के लोग जितने भी स्टूडेंट रहे हैं रहते हैं या घर वाले हैं या कॉरपोरेट हैं ऑफिस के पास, इधर यहीं आते हैं। आगे भाई हमारे ग्रीन अनियंस, और ये हमारा नूडल्स डन हो गया, ड्राई मंचूरियन। तो ये भी एक ऐसा आइटम है कि वेजिटेरियन लोगों को अगर चाइनीज़ खाना होता ना तो वो ये ड्राई मंचूरियन ज़रूर ऑर्डर करते हैं। तो यही हमने दो स्पेशल ऑर्डर लिए हैं यहाँ पे, दो स्पेशल आइटम, एक वेज चाउमीन और साथ में ड्राई मंचूरियन। ये ड्राई मंचूरियन कितने का आता है? ये 100 रुपये का हाफ, तो मतलब कि 200 रुपये से भी कम लगे, और दोनों चीज़ें आ गई हमारी। वाह भाई वाह, अब इसकी सॉस बनाई जा रही है एकदम बढ़िया सी, शेजवान सॉस। ये थोड़ा सा स्पाइसी होगा खाने के अंदर, बट टेस्ट मज़ा आएगा। अगर आप चाइनीज़ खाते हो ना तो आपको पता है भाई कि वेज मंचूरियन जो होता ना भाई, खाने में बहुत टेस्टी होता। और भैया ड्राई बनाना, ठीक है? ड्राई बनेगा एकदम बढ़िया वाला। तो सारे स्पाइसेस आ गए अपने, चाइनीज़ स्पाइसेस सारे आ गए। और ये आ गए हमारे, अभी इन्होंने फ्राई किए जस्ट मंचूरियन बॉल्स, और वो इसके अंदर आ गए। तो भाई आप देख सकते हो फूड पूरा का पूरा आ चुका है भाई साहब, 80 रुपये। हेलो, 80 रुपये में इतनी क्वांटिटी, और आपके सामने एकदम फ्रेश बनाया बढ़िया सा, साथ में मंचूरियन दे एकदम मज़ेदार। टेस्ट करते हैं अपने पहले आउटलेट का फूड। बेटा कौन चौमिन है ये? पतली वाली, बिल्कुल जो एक्चुअली में जो एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जो यूज़ करते हैं ना, ये वो वाली चौमिन है पतली वाली, पर एक्चुअली में टेस्ट इज़ वेरी नाइस। और ये आ गया भाई मंचूरियन। ओ भाई ये तो भाई मतलब ये कह रहा हूँ कि आइटम बहुत बढ़िया है, और प्राइस इज़ वेरी नाइस, मतलब प्राइस के हिसाब से अगर बोलूँ ना तो प्राइस के हिसाब से इज़ गुड। बट ये 100 रुपये का, और ये 90 रुपये का। इसे खाते हैं, अगर आपको खाना है चाइनीज़ तो प्रिया चाइनीज़ क्विज़ीन पे आओ और इसको इन्जॉय करो। भाई सेकंड स्टॉप के अंदर आ गए हूँ मैं, डोसा एंड कॉफ़ी कंपनी, जहाँ पर मिल रहे हैं साउथ इंडियन डोसा, मतलब कि ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल, और 5 चटनियों के साथ। इंडिया में वैसे 2 या 3 मैक्सिमम चलती हैं, जहाँ पर भी हमने खाई है दिल्ली में, बट 5 कहीं नहीं खाई। तो चेक करते हैं कैसे बनते हैं और वो 5 चटनियाँ कौन कौन सी है, आ जाओ। और एक्चुअली मैंने जो दो डोसे जो मैंने ऑर्डर किए हैं, वो बहुत कम लोग दिल्ली में ऑर्डर करते हैं, स्पेशली लोग मसाला डोसा खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मैसूर मसाला डोसा और पोड़ी पोड़ी डोसा। पोड़ी पोड़ी एक मसाला होता है, और वो हर किसी के पास नहीं होता है जो भी साउथ इंडियन यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है। तो अब ये देखो भाई आप, दो डोसे बन रहे हैं बढ़िया से,
और 49 रुपीज़ 59 रुपीज़ ये रेट हैं ऐसे, मतलब लेस देन 70 रुपीज़। और हैंड बिटन कॉफ़ी भी है और फिल्टर कॉफ़ी भी है, दोनों कॉफ़ीज़ है। अब ठंड में इससे बढ़िया चीज़ आपको और क्या मिलेगी ये बताओ मेरे को। तो भाई आप ये देख सकते हो, ये अमूल का घी का पैकेट है, मैं घी में बनवा रहा हूँ और घी में डलवाने के बाद रेट हो जाएगा 99। तो ये अमूल के देसी घी के अंदर बनाए जा रहे डोसे, एकदम देख लो एकदम क्रिस्प हो चुके हैं और साइड से छूट भी रहे। अब ये देखो देसी घी में बनाए जा रहे हैं, और देसी घी में अगर आप लोगे, चॉइस आपकी है, अगर देसी घी में डोसा खाना है तो 99 रुपीज़ का, अदरवाइज़ जो नॉर्मल रेट है 59 या 69 वही मिलेगा। बट अगर कुछ बढ़िया टेस्ट खाना है तो आपको घी तो डलवाना पड़ेगा भाई, बेशक कोई और कंपनी हो तो आप बाद में बोलोगे अमूल उन्होंने पैसे दिए। तो अभी देख सकते हो भाई, ये है पोड़ी पोड़ी, ये है भाई पोड़ी पोड़ी। अब ये एक काफ़ी बढ़िया मसाला होता है, ये कैसा मतलब टेस्ट कैसा होता है, स्पाइसी होता है क्या होता है? अच्छा स्पाइसी है, तो इसके ऊपर भी आलू आएगा नहीं? यस सर। अच्छा आलू आएगा, ओ नहीं अच्छा मसाला भी आएगा, आलू मसाला आएगा ना? हाँ ये देखो भाई, अब ये आलू मसाला आ गया, मतलब देखो पोड़ी पोड़ी भी डाल दिया और उसके ऊपर मसाला भी आ गया, और ये हो गया 99 रुपीज़ विद देसी घी। अगर ये विदाउट देसी घी लेता कितने का था ये? 59 का। वाह, और मैसूर मसाला कितने का है? 59 का सर। वो भी 59, वो भी अगर घी डाल देंगे तो 99 का। घी डालेंगे 99 है, ओके। अब वो देखो वो डाल दिया भैया ने मैसूर का मसाला एंड टोमेटो अनियन चटनी, ये हमारे अपने फ्लेवर्स हैं। अच्छा मुझे ये बताओ वो 5 चटनियाँ कौन सी हैं जो आप दे रहे हो? मैंने एक्चुअली में दिल्ली में 3 ही खाई हैं, एक ग्रीन वाली, एक टोमेटो वाली और एक अपनी द फेमस कोकोनट। तो हमारे पास 5 चटनीज हैं, कोकोनट, टोमेटो अनियन, गार्लिक, पीनट एंड मिंटन धनिया। अरे वाह, मतलब पीनट और आपके पास वो वाली गार्लिक एक्स्ट्रा है। yes, वाह, ये आप टेक्सचर देख रहे हो, ये टेक्सचर जो है ना भाई, मतलब साउथ इंडियन लवर्स जितने भी है ना उनका दिल जीत लेते हैं भाई। डोसे दोनों आ चुके हैं, दीपन वो दिखा, ये है मैसूर मसाला डोसा और ये आ गया भाई हमारा पोड़ी पोड़ी मसाला। ओ भाई साहब ये तो कुछ अलग ही लेवल का हो गया, देसी घी में बनवाया है, दोबारा बता रहा हूँ देसी घी यूज़ किया है तो 99 रुपीज़ है, और अदरवाइज़ अगर नॉर्मल ही लेते हो रिफाइंड में तो 59 रुपीज़ का। ये 5 चटनी है इनकी, ये 5 चटनी है जो आपको एक्चुअली में यूजुअली दिल्ली में सिर्फ 3 ही देखने को मिलती है, एक्चुअली में 2, एक नारियल चटनी और एक है टोमेटो, बट यहाँ पे ग्रीन मिंट भी है, यहाँ पे पीनट भी है, यहाँ पे लहसुन वाली भी है, तो इसे ट्राई करते हैं अब। खास बात पता क्या है, खास बात है कि डोसे की जो लेयर है ना वो बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा पतली है, क्रिस्पी भी है, पतली की वजह से वो काफ़ी क्रिस्पी भी है, एकदम मज़ेदार टेस्ट लग रहा है सीरियसली। अगर आप हुडा सेक्टर 56 में आ रहे हो ना फूड खाने के लिए स्पेशली, और आप अगर वेजिटेरियन हो और कुछ बढ़िया खाना चाहते हो साउथ इंडियन के अंदर बढ़िया वाला, तो कहाँ पे आना बता दिया आपको, डोसा एंड कॉफ़ी कंपनी आओ और इसको इन्जॉय करो। स्पेशल बॉम्बे भेलपुरी, मतलब कि दुकान का नाम ही यही है भेलपुरी, बट मिलता बहुत कुछ है यहाँ पे, क्या क्या मिलता है ये देखो, भेलपुरी, सेवपुरी, झालमुरी, पापड़ वाली भेलपुरी, दही सेवपुरी, गोलगप्पे, पापड़ी चाट, दही पाले, मिक्स चाट, आलू चाट, टिक्की चाट, भाई साहब सब कुछ ही मिलता है। ये देखो भाई साहब ये बन रही है हमारी सेवपुरी, लाइट बंद हो चुकी है क्योंकि मार्केट बंद होने को आ गई है, इसके बाद हमने दूध जलेबी खाना है, जाना मत कहीं, क्योंकि ऐसी आइटम है वो दूध जलेबी कि जिस हिसाब से हम खाएंगे ना आपको टेस्ट आ जाएगा बचपन का। अब ये देखो भाई ये सारी की सारी पापड़ियाँ आ गई है, इसके ऊपर आ गए भाई आलू। अच्छा एक खास बात पता है क्या, देखो ये ऐसा आइटम है कि लड़का हो चाहे लड़की हो ट्राई करता है और इन्जॉय करता है। अब मुंबई स्टाइल यहाँ पे टेस्ट मिल रहा है आपको हुडा के अंदर ही, मतलब सेक्टर 56 आओ और वहीं पर आपको मिल जाएगा सब। सर पुराना सर हमारा दिल्ली साउथ टेस्ट में भी है। अरे भाई साहब वहाँ तो हम खाया था, वो सैंडविच चला अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया भाई, चटनी बहुत बढ़िया। क्या चीज़ है? नींबू लहसुन होता है। अच्छा लहसुन की चटनी टाइप है, वो पानी है लहसुन का फ्लेवर के लिए। वाह भाई वाह सर, चटनी वगैरह मैं नीचे से निकालता हूँ। ये देखो भाई ये आ गई भाई हरी चटनी, इमली का चटनी, इमली का। ओहो कितने रुपए का आइटम है? 80 का, 80 रुपए का आइटम है, और चीज़ ऐसी कि आप एक बार खाओगे ना ट्रस्ट में ज़रूर खाओगे। यहाँ इस मार्केट में खास बात पता क्या है, स्नैक्स, मेन कोर्स एंड मीठा तीनों चीज़ें मिलेंगी। खजूर का चटनी, खजूर का बहुत बढ़िया है यार। और ये आएगा भाई बम्बैया सेब, एकदम पतला वाला,
इसे नायलॉन सेब कहते क्या कहते है ना? नायलॉन सेब कहते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं नागपुर जा चुका हूँ। मज़ेदार, ये हमारी आखिरी प्लेट होगी, 80 रुपये। ये आखिरी प्लेट होगी हमारी क्योंकि इसके बाद मार्केट बंद हो जाएगी और हम फटाफट भाग रहे हैं दूध जलेबी की तरफ इसको टेस्ट करने के बाद। ये देखो भाई साहब, ये आ गई हमारी सेब पूरी। चेयर्स। सबसे पहले पापड़ी का क्रंच आएगा, उसके बाद लहसुन के पानी का फ्लेवर आएगा जो बहुत बढ़िया लग रहा है। इमली की चटनी, इमली और खजूर की चटनी इस अमेजिंग, 80 रुपये वर्थ है। हम इसे खाते हैं और चलते हैं कहाँ पे? दूध जलेबी। देखो भाई साहब, ये दूध और जलेबी बनने जा रही है हमारे लिए। पहले जलेबी बनाएंगे और जस्ट पीछे ही कड़ा हुआ दूध, एकदम कढ़ाई का जरा वो मिलेगा आपको। ये देखो भाई साहब, ये जलेबी बनना स्टार्ट हो चुकी है, एकदम बढ़िया बढ़िया पतली पतली जलेबी। आहा, ऐसा लग रहा जैसे हम पहुंच गए हैं कहाँ पे? वृंदावन में। क्या बात है भाई, ऐसी मिलती है पतली पतली जलेबियाँ वहाँ पे, देसी घी की। ये देसी घी है ये? अच्छा, ये रहा। ये देखो भाई, ये लिखा भी हुआ है दाद जलेबी वाला। ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हो। स्विगी जोमेटो पे भी है। कितना किलोमीटर है स्विगी जोमेटो? 12 से 15 किलोमीटर। बहुत बढ़िया यार। ये देखो भाई, कड़ा हुआ दूध एकदम बढ़िया से काट के बनाया हुआ है, ड्राई फ्रूट डाले हुए ऊपर, मज़ेदार जलेबी हमारी बन रही है। अभी दोनों को कंबाइंड करते हैं और फिर गर्मा गर्म टेस्ट करके बताते हैं आपको। ये देखो भाई साहब, गर्मा गर्म जलेबी, अब ये डुबकी मार रही है इसके अंदर, बढ़िया सा मज़ेदार। ये देख रहे हो, ओहो, अभी ये सारे के सारे निकालेंगे ना तब पता चलेगा आपको। ओहो भाई साहब, सैफ्रॉन शुगर सिरप, बहुत बढ़िया भाई, मज़ेदार। ये देखो भाई साहब, ये मेरे लिए स्पेशल लगने जा रहा है, कुल्लड़ वाला गर्मा गर्म दूध। ये देखो, आहा, ओए होए, क्या बात है। हल्का सा उठा लो बस, अभी इधर आ जाओ साइड में। और ये देखो भाई, ये जई गई जलेबी ये दूध के अंदर। इसे भाई खाने में जो मज़ा है ना, बचपन याद आ जाएगा आपका बचपन। तो ये देखो भाई साहब, गर्मा गर्म कड़ा हुआ दूध आ चुका है, ये आ गया भाई, बढ़िया। और साथ में जलेबी और रबड़ी, ये कॉम्बो है बढ़िया। भैया, ये जलेबी और रबड़ी का क्या प्राइस है? ये हाफ प्लेट होती है, इसका 60 रुपीज़ है और इसका 70 रुपीज़। 70 रुपीज़, तो 130 रुपये के अंदर आपका मतलब खाना खाने के बाद मीठा हो गया, बचपन की यादें वापस आ गई। तो ये इसको एंजॉय करने देते हैं भाई और हम चलते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए यहाँ पे खाना है तो फिर आ जाओ यार, सेक्टर 56 हुडा मार्केट। कितने बजे स्टार्ट होती है मार्केट वैसे? मार्केट 5:30 बजे होती है। और कितने बजे क्लोज होती है? 11 बजे तक खुला। तो आ जाओ फटाफट, इसको ट्राई करो सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई है।